मिशा स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। आपको मेरी वीडियो मलयालम में देखना है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं कढ़ाई पनीर। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी कर देंगे। इसका एक पैन में मैंने एक स्पून धनिया लिया है, एक स्पून जीरा, दो दालचीनी, चार लौंग लिए हैं और दो तेज पत्ता। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और चार सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब अच्छे से हो गया इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद में हम इसे पीस लेंगे। अब उसी पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है, उसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। उसके बाद में क्यूब्स में कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे और कैप्सिकम को भी ऐड कर देंगे और उसे थोड़ा 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम एक स्पून बटर ऐड कर देंगे और उसके बाद में उसमें पनीर को डाल देंगे। उसे भी थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हो गया है, हम दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसी पैन में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इन सबको एक बार फ्राई करेंगे। उसके बाद में मैंने प्याज को ऐड किया है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और जल्दी से इसे फ्राई कर लेंगे। नमक इसलिए ऐड करते हैं कि ओनियन जल्दी से फ्राई हो जाए। और उसके बाद में मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिया है, उसे भी डाल दिया है। उसे भी अच्छे से गलने तक पका लेंगे। अब इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में हम मिक्सी के जार में पहले जो मसाला फ्राई करके रखा था उसे पीस लेंगे और उसमें आधा चम्मच ब्लैक पेपर डाल देंगे और उसे पीस के मसाला रेडी है। अब इसी तरह से ऑनियन और टमाटर का उसे भी अच्छे से पीस लेंगे। उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें ये पीसा हुआ मसाला हम डाल देंगे। ऑनियन टमाटर का पेस्ट हमने जो पीसा था उसे डाल दिया है। उसमें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाला है। जो कढ़ाई मसाला रेडी किया था उसे 1.5 चम्मच उसे भी डाल देना है और नमक स्वाद अनुसार डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के पकाएंगे जब तक इसके तेल ना छोड़ दें। अभी अच्छे से भून चुका है, इसमें हम कैप्सिकम और ऑनियन को फ्राई किया था वो उसमें डाल देंगे और जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें उबाल आ जाए उसके बाद में हम उसमें पनीर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से उबलने तक पका लेंगे। उसके बाद में मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है, उसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में 2 स्पून क्रीम डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके ऊपर से कढ़ाई मसाला जो है वो उसे ऐड कर देंगे। रेडी है हमारा सर्व करने के लिए कढ़ाई पनीर मसाला। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।